तीसरी चीज अब बात कर लेते हैं अहंकार की। अहंकार का ऑपरेशन करें ताकि किसी को नींद आ रही हो तो वो सो जाए जाकर। अहंकार किसको किसको लगता है कि धर्म की राह पे बाधक है? हाथ उठाओ। किसको किसको लगता है अहंकार धर्म की राह पे बाधक है? दो ही लोगों ने हाथ उठाया। आप लोगों को लगता ही नहीं कि अहंकार बाधक? नहीं लगा किसी डेवलप भी नहीं हुआ आज तक है तो बाधक, ये तो पक्की बात है। अहंकार इतना सूक्ष्म है, इतने लेवल पे छिपा हुआ है कि हमारे समझ में नहीं आता है कि हम कहां कहां फंसे हुए हैं उसमें। अच्छा मैं ये कहूं कि अहंकार जो है वो सहायक है धर्म के मार्ग में तो उससे जो है ना आप मत बदलता हो गया है, उससे जो है आप दूसरी दिशाओं में परिभाषित करेंगे। हम तो करेंगे तभी तो उसके दूसरे रूप भी पता लगेंगे। आपके घर में तलवार और आपको यही पता हो गर्दन काटती है। जिस भाव से आपने प्रश्न उस समय किया और हमने हाथ उठाया उस भाव को मैं आपको हाथ उठाने को बुरा थोड़ी ना बोल रहा। मैं कह रहा एक पक्ष तो सबको पता है, ये तो यहाँ ओशो होते वो भी हाथ उठाते, आप ओशो ही हो। तो ये है इस मंत्र ये है कि अगर आप इस भाव से यहाँ हाथ उठा तो आप इस भाव के नहीं। मैं इसलिए देखो सूरज का विपरीत जानना जरूरी, विलोम का पता होना चाहिए, विलोम से परिचित होना चाहिए। अहंकार को बहुत अपमान मिला है इस धर्म जगत ने, अहंकार को जितना अपमान दिया उतना किसी चीज को नहीं दिया। सारे गुरुओं ने हर जगह जहां देखो अहंकार 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 रोग अहंकार रोग एक किया, सबने किया। अच्छा चलो जान लेते अहंकार है क्या, अहंकार क्या है बताओ, कोई मुझे थोड़ा सा बताए अहंकार क्या। बल्कि शब्दों में तो ये दो शब्दों में कहा जा मैं और मेरा जाए या अहंकार ही मैं और मैं और मेरा का भाव या अहंकार। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अहंकार है वो मैं उस। अब कृष्ण कह रहे हैं वो उस तल से कह रहे हैं। अब वो तल कैसे पता चलेगा मैं में वो तल है? वो तो पता चले है चलता कभी जिससे वो तो वो स्टेज दूसरी है। नहीं वो स्टेज ऐसे उसमें ऐसा है ना आपका कि वो मैं हम मैं की बात कर रहे हैं वो आपको दुख में ले जाएगा तनाव में ले जाएगा और वो आपको आनंद में ले जाएगा जिस चीज में कृष्ण बात कर रहे हैं। ये बस अब आई बात सही। हाँ तुम भी बोलो। वो अपमान की दृष्टि से नहीं बोल रहे तो इससे पता चल जाएगा। तुम्हारे पीछे कोई बोलेगा बोलो। क्योंकि उनको पता है कि मैं ब्रह्म हूँ इसीलिए उनको अहंकार है। तू अपनी जगह बात जो कहना चाहती वो ठीक कह रही। खैर चलो देखो मैं एक छोटा सा बात बताऊँ स्वामी जी जो बात कही वो थोड़ा सा वहीं पे ले आते हैं, हम उसको ज्यादा लंबे छोड़े नहीं ले जाएंगे वहीं से ले आएंगे। स्वामी जी ने कहा कि एक है जो पीड़ा दे रहा है, जो पीड़ा दे रहा है वो अहंकार, जो आनंद दे रहा है वो अहंकार नहीं। यही तो आप कहना चाहते हैं। लेकिन जो आनंद दे रहा है वो अहंकार नहीं है, अहंकार शब्द तो फिर भी आ गया। नहीं वो मैं शब्द ये कहा जा रहा लेकिन वो अहंकार है नहीं। अब भी बात तो समझे फिर उसे यही क्यों परिभाषित कर रहे हो अहंकार नहीं है फिर वो मैं क्या है? वो मैं जो है एक तो मैं का मतलब ये है कि मैं का ये होना मैं हूं और ये जब होगा मैं हूं ही नहीं तो ये तो कृष्ण वाला मैं है फिर उस तरह से बोल लगा। समझ में आया किसी को ये कौन सा मैं बता रहे हैं कि मेरा होना सबसे बड़ा भ्रम है ये। देखो मैं इसको तुम्हें सरल शब्दों में बताता हूँ ना, अनपढ़ की भाषा में समझो तो तुम समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं सरल भाषा में। असल में कृष्ण कह रहे हैं तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी भयों से मुक्त करता हूँ, मैं तुझे हर चीज ले चलता हूँ। वो मैं की बात कर रहे हैं। असल में अहंकार में और मैं में बहुत अंतर है। मैं शुद्ध है और अहंकार को किसी एक चीज का सहारा लेना पड़ता है।
जैसे मेरी कार है, ये अहंकार, क्योंकि मैं को कार का सहारा लेना पड़ा। मेरा ज्ञान है, अहंकार है, क्योंकि मैं को ज्ञान का सहारा लेना पड़ा। मेरा गुरु है, महान है, मेरे मैं को गुरु का सहारा लेना पड़ा, इसलिए अहंकार है। लोगों के गुरु भी अहंकार हो जाते हैं, मालूम कि मेरा ये वाला गुरु बहुत महान, तुम्हारे गुरु से तो अच्छा ही, अहंकार हो जाता है। मेरा सुदर्शन है, अब वो कृष्ण अगर ऐसे कहते तो अहंकार ही थे, कृष्ण अगर ऐसे कहते अर्जुन तू मेरी शरण में आ मेरे पास सुदर्शन, तो अहंकार ही थे। और अगर वो ये कहते मेरी शरण में आ मेरे पास जो है वो बहुत बड़ी सेना है, तो अहंकारी थे। अगर वो ये कहते मेरी शरण में आ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो अहंकारी थे। वो किसी चीज का सहारा नहीं ले रहे हैं। तो मैं जो है वो खुद में खड़ा हुआ है, और जब वो कह रहा है मेरा, और जब वो कह रहा है कि मैं ये हूं, तो वो सहारा ले रहा है। यानी कि अहंकार जो है वो रीढ़ विहीन होता है। अहंकार को खुद को खड़ा करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है, अहंकार अकेले नहीं खड़ा हो सकता। आपसे पूछो व्हाट इज योर आइडेंटिटी, उन्होंने कहा आई एम ओनली। अब आई एम ओनली आइडेंटिटी नहीं है। जैसे मैं किसी से पूछू तुम कौन, मैं कलेक्ट्रेट हूं, या मान लो मैं मजदूर हूं, कुछ तो हो। तो आइडेंटिटी जो है किसी के सहारे पे खड़ी, मैं कहो ये तो मजदूर की आइडेंटिटी हुई, तुम्हारी आइडेंटिटी बताओ। मैं जो हूं फला का लड़का हूं, ये भी आइडेंटिटी गड़बड़ो। अगर कोई ये कह सके कि मैं मेरा होना मात्र, केवल मैं कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग का मतलब फिर ये नहीं है कि कई बार लोग कहते हैं मैं नथिंग, क्योंकि नथिंग कहने वाला ही ज्ञानी होता, ऐसे बोलते ना कुछ लोग कि मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि जिन्होंने ये जाना कुछ नहीं है वही सब कुछ होते हैं, ये आदमी मतलब साइड में लगा देता है अपने। लेकिन रियल में मैं जो है वो किसी कारण से नहीं, हां मैं से सारे कारण हैं। मैं कार रखता हूं ये अहंकार होगा, लेकिन अगर मैं है तो इससे एक दिन कार आ सकती है, मैं के पास एक दिन कार आ सकती है, लेकिन कार से ही अपने को जोड़ के मैं को संतुष्ट करना अहंकार है। अगर मेरी पहचान किसी चीज के कारण होती है तो वही अहंकार। किसी भी आदमी से पूछो कि तुम्हारी आइडेंटिटी या पहचान क्या, वो एक का बताएगा कि मेरी पहचान ये है, मैं ये हूं, और वही उसका अहंकार होगा। और इस पृथ्वी पे सभी को अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए किसी ना किसी एक चीज का सहारा तो लेना पड़ता है, लेना पड़ता है ना। अच्छा बताओ लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है? हर एक को लेना पड़ता है, लेना पड़ेगा, इसके बगैर तुम संवाद ही नहीं कर सकते। कुछ तो बताओगे, जो बताओगे वही भाई, तुम ये कहोगे बुद्ध हो तब भी अहंकारी हो जाओगे, क्योंकि बुद्ध का सहारा लेना पड़ रहा। तुम ये कहो ज्ञान को उपलब्ध हो तब भी तुम्हें ज्ञान का सहारा लेना पड़ रहा, तुम जो कहोगे उसका सहारा हो जाएगा। तो अहंकार तो रहेगा, अहंकार से तो तुम मुक्त हो नहीं सकते। शुद्धता का सहारा लेना पड़ेगा, फिर अशुद्धता का सहारा, मतलब किसी ना किसी का सहारा तुम्हें लेना पड़ेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं, एक छोटी सी बात इस जीवन के अंदर मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस व्यक्ति का अहंकार जितनी कम चीज या जितनी कम मात्रा में किसी चीज से, ऐसा समझो कि एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे बल्लियां लगा के उसको रोका हुआ है, और एक ने एक ही बल्ली पे रोका हुआ है,
तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जीते जीते तुम इतना ही कर सकते हो कि एक ही बल्ली पे तुम रोक लो, वो कोई एक चीज होगी। मालूम है बुद्ध पुरुष सारी बल्लियां हटा देते हैं, लेकिन वो बुद्ध पुरुष की बल्ली लगा देते हैं, एक बल्ली लगी रहती। देखो मेरी बात थोड़ी हो सकता है अजीब सी लग रही होगी, मुक्ति नहीं है, मैं कह रहा हूं न्यूनतम हो गए, न्यूनतम न्यूनतम तो हो सकता है अहंकार, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, किसी ना किसी चीज पे खड़ा रहेगा। कुछ नहीं होगा तो यही खड़ा रहेगा कि मेरे शिष्य हैं, मैं इनको अहंकार से मुक्ति सिखाता हूं, बातें करते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं खड़ा रहेगा। मृत्यु के साथ ही देखो सच कहें, जब न्यूनतम पे खड़ा हो जाता है, जैसे एक ही बल्ली पे आपका मकान रुका हुआ है, अहंकार की बिल्डिंग आपकी एक ही बल्ली पे रुकी हुई है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि अपने जीवन काल में एक व्यक्ति बहुत सारी चीजों की बल्लियों पे खड़े रहने की बजाय एक पे खड़ा रह के जी ले, और फिर उसके साथ अंतिम प्रयोग है वो मृत्यु के साथ होता है कि अंत में वो बल्ली भी गिरा दे। और यही सबने किया, जितने भी बुद्ध पुरुष हैं जिनकी हम बात करते हैं अहंकार से मुक्त हैं, वो वाले अहंकार से तो मुक्त हो गए कि कार पे उन्हें फक्र नहीं, उन्हें घर संपत्ति पे फक्र नहीं, लेकिन एक फक्र उन्हें अंतिम वक्त तक रहता है कि उनके सन्यासी, और वो एक बल्ली पे खड़े रखते हैं अपने अहंकार को, लेकिन वो मृत्यु के वक्त गिरती है। सभी बुद्ध पुरुषों की मृत्यु के वक्त गिरी, सभी मृत्यु ऋषियों ने अपने अंतिम वक्त के वक्त, अब देख लो बुद्ध भी कहते हैं अंतिम वक्त में मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, ओशो भी इसी तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं, सभी के वक्तव्य आखिरी मोमेंट में ऐसे रिकॉर्डेड हैं जब उन्होंने वो बल्ली भी खींच ली। शरीर के रहते इस शरीर में रहते हुए अहंकार से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो जिस प्रकार अष्टावक्र ने जनक से कहा कि जनक जीवन दुख है, ये जान और दुख से मुक्त हो जा, उसी प्रकार एक वक्तव्य है, बहुत सरलता से सुनना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, कि अहंकार से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है पूर्णता, ज्यादा से ज्यादा आप अहंकार का एक छोटा सा हिस्सा रख के पूरी जिंदगी जी सकते हैं, ये परम सत्य है, और इसके साथ ही जी लेना अहंकार से मुक्ति का मार्ग बनेगा अंतिम वक्त में। फिर कह रहा हूं इसी के साथ अंतिम वक्त में, मैं कह रहा हूं मुझे अहंकार है मेरा अहंकार किन्हीं चीजों पे खड़ा हुआ है, एक ही याद बल्ली है बस, और उसे जब चाहेंगे गिरा दूंगा। मैं रमेश कुमार की बात कर रहा था, तो रमेश कुमार जो थे उनसे किसी ने पूछा था कि आपको आपके ज्ञान से नजर आता है कि सब कुछ पता है, आप बिल्कुल मुक्त हो, आप उस आकाश की बात करते हो, आपको वो सारे अनुभव हैं, तो आप इससे मुक्त क्यों नहीं हो जाते। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, और वो ईमानदार वक्तव्य है, ये बात अलग है कि उसकी किताब नहीं छपी, शायद भविष्य में कोई मेरी बात सुन के उनका नाम लिख के छाप दे। उन्होंने कहा था कि एक झीना सा पर्दा है मेरे और उसके बीच, झीना सा पर्दा, जब चाहूंगा तब गिरा दूंगा, तब तक उस पर्दे को रख के जीवन का आनंद ले रहा हूं। थोड़ा समझो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे यही तो एक छोटा सा अहंकार ही तो यात्रा करा रहा है, एक छोटा सा अहंकार कि मेरे ज्ञान है, मुझे अनुभव है, मेरे मुझे कुछ मिला है, मैं उसे बांट दूं, ये यात्रा करा रहा है। अगर ये सब भी नहीं होगा तो कोई यात्रा ही नहीं होगी, किसी प्रकार की यात्रा नहीं होगी, ना कोई गुरु पूर्णिमा बनेगा, ना कोई आश्रम बनेगा, ना कुछ बनेगा, आपका अहंकार ही इस जगत की यात्राओं का कारण है। ये तो ऐसा समझो कि ये शरीर आपने लिया है मैटर से, तो इस मैटर को कुछ तो देके जाओगे, तो ये एक तरीके का ऋण है तुम्हारे ऊपर। हां तुम ये जान गए कि ये वाहन है, लेकिन वाहन का उपयोग करके काम तो करोगे, अंत में तुम्हें
वाहन छोड़ना, जब काम छोड़ना तो वो अहंकार भी गिरा देना, आखिरी बल्ली भी हटा लेना। सज्जन और विध्वंस पे हम नहीं आते स्वामी जी, सज्जन विध्वंस मैं नहीं आता, मैं कहता हूँ विध्वंस भी कर रहा है तो सृजन कर रहा है, सब सारे विध्वंस फाइनली सृजन ही हो जाते हैं। कुछ कर कहां मैं अच्छे बुरे के बीच चुनाव करता घूमू भाई। मैं तो कहता हूँ कि मैं फिर ऐसे बुद्ध पे आरोप नहीं लगा देता हूँ कि बुद्ध ने एक तरफ जो है एकाध कोई बुद्धत को उपलब्ध हुआ, बाकी न जाने कितनों के घर छुड़वा दिए, कितनों की जिंदगियों से खेल गए, ऐसे तो आरोप उनके ऊपर भी लगेंगे, उनका क्या विध्वंस नहीं कहलाएगा। मैं तो कहता हूं एक कंस की वजह से कितनी औरतें विधवा हो ली, लेकिन एक तरीके हैं उनका भाव तो ऐसा था। अरे स्वामी जी भाव होना हो वो अलग बात है, कर्म तो हो गया ऐसा स्वामी जी, मेरा भाव नहीं है ऐसा, मैं चक्कू मारूंगा ऐसे करके चक्कू, भाव तो मेरा नहीं, मैं तो हाथ घुमा रहा खचा खच खचा खच, हाथ घुमा रहा हूं मैं, चक्कू हाथ में है सामने लोग हैं मेरा हाथ घूम रहा है, मैं तो मेरा तो भाव बिल्कुल नहीं कि कोई मरे, लेकिन लोग तो मर रहे हैं, भाव से क्या लेना देना, भाव तो मेरा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को पीड़ा पहुंचाऊं, लोगों को पीड़ा हो रही है, रातों को नींद नहीं आ रही, भाव से क्या लेना देना है, आपके कर्मों में तो वो शामिल हो गया ना। वो तो सब सुना है ना, लेकिन जिन पे बीती वही जाने, जिस तन लागे वो तन जाने, ऑपरेशन तो डॉक्टर भी करेगा, मैं यही तो कह रहा हूँ, और फिर वो डॉक्टर को वो तो बोल रहे थे जरूरत से ज्यादा पैसा ले ले, वो भी तो देख लो। ये वो बात है जैसे शारदा थी, जब उसकी मतलब उसके पति की वो रोटी छूट गई थी, उसने पहले कह देता कि अगर मेरी रोटी मतलब छूट जाएगी दो दिन पहले कि समझ लेना मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने एक अपनी वो जिस तरह एक वासना एक रोग रखी थी, हाँ, एक वासना बचा रखी, ये वो बात है, हाँ, बिल्कुल वही बात है कि एक तो बचानी पड़ेगी, वही बात है भाई। ओशो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी पृथ्वी को सन्यासियों के लाल रंग से भर दूं, ये वही बात, इतनी तो बचानी पड़ेगी ना, इतनी बचाएंगे नहीं तो फिर सन्यासी कैसे बनाएंगे, फिर प्रवचन लेने क्यों आएंगे, इतनी तो बचानी पड़ेगी, एक तो बल्ली लगानी पड़ेगी, एक तो खूंटा अपना बचाना पड़ेगा, वो खूंटा अहंकार ही है, या तो जगत माया कह के तुम कुछ ना करो तो कोई और तुम्हारे भाई के ऊपर अहंकार खड़ा करेगा, खड़ा करे। अपना अहंकार खड़ा करो बस, और कर सकते हो बस, यात्रा तो करनी पड़ेगी। अच्छी बुरी की बात मैं नहीं कर रहा, यहां मैं अच्छा बुरा इसलिए नहीं ला रहा कि बुद्ध ने अच्छा किया बुरा किया, इसका चिंतन मैं नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ किया भाई, एक ने कब्र खोदी और एक ने जो है खेत खोदा, फावड़ा तो दोनों ने चलाया, लेकिन चलाया ना, कब्र खोदना भी तो एक काम में आता है, कोई बुरी बात नहीं। ऐसे वो कह रहे थे उन्होंने आतंकवादी है, आतंकवादी बुरा करता है, लेकिन भाई वही आतंकवादी एक शस्त्र खरीदता है, उस शस्त्र को खरीदते हुए पैसे देता है, उसका काम चलता है, शस्त्र वाला दान करता है, लोगों को भला करता है, इनडायरेक्टली बताओ। देखो एक छोटी सी बात है, एक ऐसा शेर कह रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप लोगों को अच्छे बुरे की बात खत्म हो जानी चाहिए, और ये अंतिम बात है कि आत्मा के ऊपर जो बोझ, अब मैं अहंकार को हटा देता हूं, अहंकार के बारे में बोल चुका, अब मैं अंतिम बात बोल रहा हूं कि आत्मा के ऊपर सबसे बड़ी जो रुकावट है, आपके आत्मा का भी एक पेन है, और आत्मा का पेन है कि वो सही गलत में चुनाव करती रहती, सही गलत का चुनाव, सही गलत कैसे तुम तय करोगे, तुम्हारी अपनी परिभाषा, तुमने देश के प्रति सैनिक तुम्हारे लगे हुए हैं सही लगते हैं, लेकिन वही पाकिस्तानियों को दुश्मन लगते हैं, पाकिस्तान के सैनिक वहां के लिए जो है क्रांतिकारी हैं, यहां के लिए दुश्मन हैं, परिभाषा कहां, एक जरा सी दूरी पर परिभाषा बदल जाती। एक छोटा सा शेर मैंने लिखा था, वो शेर इतना भारी है कि बहुतों को हजम नहीं हो पाता, लेकिन उसके अर्थ बहुत गहरे हैं, बहुत पहले शेर लिखा था, वो शेर के कुछ बोल इस तरीके थे कि उम्मीद ए वफा आदम से, उम्मीद ए वफा आदम से कुछ ज्यादा ही होगी, आदम से मतलब आदमी से वफा की उम्मीद करना कुछ ज्यादा होगी, मतलब वो कहते हैं हम आपसे वफा की उम्मीद करते हैं, ये बड़ी बात है, आदमी से और वफा की उम्मीद
पीता है जो लहू रोज पसीना खुद का मिलाकर। उम्मीदे वफा आदम से कुछ ज्यादा ही होगी, पीता है जो लहू रोज पसीना खुद का मिलाकर। आप जिसे मेहनत की कमाई कहते हो, कभी गौर किया किसी को तो लूट ही रहे हो? पीता है लहू रोज, मतलब किसी का खून पी रहे हैं, पसीना खुद का मिलाकर, बड़ी मेहनत की आज। पीता है जो लहू रोज पसीना खुद का मिलाकर, ऐसे व्यक्ति से तुम वफा की उम्मीद करते हो? और पूरी दुनिया में हर व्यक्ति ये कहेगा मैं मेहनत की कहता हूं, लेकिन अगर मैं अभी तर्क करने बैठूं, हर व्यक्ति की खोज के बता दूंगा कि तुम्हारी मेहनत अंतोगत्ता किसी का खून है, किसी ना किसी का तो है ही। बिल्कुल है। आप गहरे में जाओगे तो कहीं ना कहीं उसमें खून का कोई अंश शामिल होगा ही होगा। और ऐसे जगत में हम रहते हैं, क्या इस जगत में सत्य और झूठ की परिभाषा चलेगी, हो सकती है? और सारे सन्यासियों को जो आत्मिक मैं जानता हूं, मैं बहुत सी ऐसी स्त्रियों को जानता हूं, शरीर के तल पे कोई अपराध नहीं, मन के तल पे शुद्ध, लेकिन आत्मा के तल पे उनकी जिंदगी नरक है। अब तुम कहोगे आत्मा के तल पे भी नरक, शरीर के तल पे नहीं है, मन के तल पे नहीं है, आत्मा के तल पे नरक है। और मालूम क्यों नरक है? उन्हें सच्चे प्रेम की तलाश है। भाई प्रेम तो प्रेम है, झूठा वाला ले लो, नहीं सच्चा ही चाहिए, बिल्कुल प्योर पवित्र सच्चा वाला। सच्चे प्रेम के चक्कर में ऐसी औरतों को मैंने दसियों के साथ सोते देखा, फिर उन्होंने टेस्ट किया, ये सच्चा प्रेम नहीं था, अब दूसरा। वो बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, लेकिन वो सत्य और झूठ, वही बात, पवित्र प्रेम और अपवित्र, सत्य और झूठ, पवित्र और अपवित्र। देखो इस जगत को जीने और समझने के लिए विलोम जरूरी है, लेकिन आत्मा को मुक्त करने के लिए विलोम से मुक्ति जरूरी। समझो, इस जगत से तुम्हें इस नाव में बैठ के, जिस नाव में बैठ के तुम्हें इस जगत का भवसागर पार करना है, उस नाव का नाम है विलोम। विलोम को समझ के तुम इस भवसागर को पार कर सकते हो, लेकिन विश्वास मानना अंतिम समय तुम्हें विलोम को छोड़ना पड़ेगा, वहीं से फिर आत्मा का जगत शुरू होता है। अच्छे और बुरे में चुनाव करने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मिक तल पे ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता, बुद्धिक तल पे हो जाता है। अच्छे बुरे का चुनाव करने वाला नैतिकता के शिखर को छू सकता है, आध्यात्मिकता के शिखर को नहीं छू सकता। नैतिकता के शिखर को छू लेगा अच्छे बुरे का चुनाव करने वाला। देखो कितनी बार हमें समझाया गया कि आग में हाथ डालो, पापी का भी जलेगा, पुण्यात्मा का भी जलेगा। आग तो भेद नहीं करती, क्या आग को पता नहीं कौन पापी है कौन पुण्यात्मा? नहीं स्वामी, जो बात आप कह रहे हैं ना नैतिकता वाली, उस समाज के जो नियम होंगे उस नैतिकता में ऊंचाई छू सके, परंतु जो सत्य है, जो परमात्मा की लाइन वाला सत्य है, उधर तो जीरो हो जाएगा वो। मैं तो वही कह रहा हूं, क्या है, वो तो कह ही चुका हूं कि आपको आत्मिक तल पे संपन्न होने के लिए द्वैत से मुक्त होना पड़ेगा, अद्वैत होना पड़ेगा। और अच्छे और बुरे की बात द्वैत है, यानी कि दो हैं, अच्छा या बुरा। और अच्छे बुरे से तुम मुक्त नहीं हुए तो आत्मा पे तो बंधन रहे, आत्मा का बंधन यही होता है। लोग कहते हैं आत्मा तो मुक्त होती, आत्मा कोई नहीं, आत्मा पे बंधन एक बंधन है। अगर तुम अच्छे बुरे का चुनाव करने लगे तो आत्मा पे बंधन हो जाए। अच्छा बुरा मन का ही विषय है, मन का विषय, इसका इस्तेमाल आप आत्मा के तल से नीचे उतर के कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं अपने कार्य व्यवसाय के लिए तो अच्छे बुरे की सोच बना सकता हूं कि ये काम मैं करना ठीक है, ये करना गलत है, लेकिन अंदर से आत्मिक तल पे मैं सोचूंगा तो मैं जानूंगा ये सब बेकार की बात है, सब कुछ सही है। उसका बाहर ही है,
मैं फिर कह रहा हूं, शरीर के तल के सत्य अलग होंगे, मन के तल के सत्य अलग होंगे और आत्मा के तल के सत्य अलग होंगे। स्वामी जी एक चीज है यहाँ, जैसे मन का तल के सत्य और आत्मा, आत्मा का तो अपना अलग, मन का ही तो है सब कुछ। हमें आत्मा का अंतिम वाला बताया ना, द्वैत आत्मा वाला, नहीं वो मन में ही तो होगा भाई, है तो टिका हुआ उसी पे। गुजरोगे उससे, मन से गुजरते वक्त तुम जो है विलोम से गुजरोगे। कैसे बना, कहां से बना मन? अरे ये तो छोड़ो, नहीं नहीं वो तो जुदाई चल रही थी आत्मा की और परमात्मा की, उसके बीच में आ गया वो तो पदार्थ और जो है अद्वैत के बीच जो है एक सेक्स चल रहा था, उससे जो जन्म गया मन। मैं बता तो रहा हूं मन कहां से जन्मा, पदार्थ और प्रकृति के बीच मैथुन चला, उससे मन जन्मा। मैं शब्द उसको जो बोल रहा था वो यही था, पदार्थ का हिस्सा नहीं है। आपके पदार्थ के बाहर है, आत्मा का हिस्सा है, वो आत्मा में से मन निकलता है और आत्मा में समा जाता है। मैं कह रहा हूं दोनों के बीच में है वो, सब पदार्थ नहीं वहां कह सकते वो, तुम ना कहो। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो मानो, आप मानने ना मानने के स्वतंत्र हैं। मैं अपनी कहूंगा और मैं बता रहा हूं, आत्मा का देखो, आत्मा को प्रभावित कर देता है मन, आत्मा को प्रभावित करता, शरीर को प्रभावित नहीं करता मन। आपके मन में भाव आ जाए बीमारियां हो जाती हैं आपको, ये तो प्रूव्ड हो चुका है। आपका मन बेचैन हो आपको बीमारियां हो जाती, आपकी एंजाइटी और ये इसके प्रभाव शरीर पे आने लगते हैं। नहीं ये तो ठीक कह रहे हैं आप, और तो फिर अभी आपका शरीर पे है नहीं, आत्मा का नहीं कुछ बिगाड़ सकता, आत्मा का भी बिगाड़ देता है। आप अच्छे बुरे का चुनाव करने लगो आत्मा का बिगड़ेगा, अच्छे बुरे का चुनाव करो, आप अच्छे बुरे में भेद करो आत्मा का बिगड़ जाए, दब जाएगी, ये करना है नहीं करना, ये करना नहीं करना, ये आत्मा आपकी मर जाएगी, कुंठित हो जाएगी। वो वही बात है कि बुद्ध के साथ, भाई देखो एक मिनट सुनो, मन के तल पे अब मैं आपको देखो तो मैं जिस अब मैं तर्कों को दूंगा वो तर्क बड़े अद्भुत हैं, लेकिन वह तर्क आपको समझ में आ जाएंगे, सबको समझ में आ जाएंगे। मन के तल पे आपका खड़ा हुआ और कोई नहीं है, कोई मिल नहीं रहा आपको, सेक्स की बड़ी है कोई मिल नहीं रहा, अगर काम बड़ी बेचारी काम नहीं है शरीर में तो, अरे छोड़ दो यार अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, वो तो समझ के देख लो, नहीं समझो तो जब शुरू से लोग पकड़ोगे, शुरू से क्या खड़ा ही नहीं होता तुम्हारा, अगर काम नहीं है अनुभव तो होगा कभी ना कभी, अरे कभी ना कभी, मैं तो उसकी बात के तल पर मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात कह रहा हूँ, खड़ा तो तभी हुआ जब कामुकता का तल है, आपका खत्म हो गया, खड़ा होना बंद हो गया वो तो अलग बात है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मुंह घुमा लेता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ इनका खड़ा होता, मैं आपका नहीं खड़ा होता, मैं आपका नहीं देखूंगा, आप लोगों का खड़ा होता, मैं आपकी बात कर रहा हूं कि जिसका खड़ा होता है उसका खड़ा हो और वो कहे कि सेक्स करना है, और उसी वक्त आपके सामने एक वैश्या हो और एक जो है वो ऐसी स्त्री हो जो बिल्कुल पवित्र स्त्री हो, पवित्र स्त्री कहती हो हम सेक्स नहीं करेंगे आपके साथ, और वैश्या कहती हो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और आपकी तो मजबूरी है कि आपको कहीं ना कहीं तो करना है, तो आप उस समय सोचोगे कि पवित्र वाली के साथ ही करें या वैश्या के साथ भी चल जाए, सोच के देखो, ईमानदारी से जवाब दो, चल जाएगा। आप बंद करके, मैं एक तुम्हें चुटकुला सुना रहा हूं, हकीकत है ये चुटकुला है लेकिन हकीकत है। एक बार एक सरदार जो था वो एक रेगिस्तान में भटक गया, स्वामी जी एक सरदार रेगिस्तान में भटक गया, उसके पास पानी था, पानी की दिक्कत नहीं थी, लेकिन रेगिस्तान में भटकते भटकते उसको सेक्स के लिए कामुकता उसके मस्तिष्क पर सवार हो गई कि अब सेक्स करना है, कहीं सेक्स करना है। रेगिस्तान में उसको सेक्स का ऐसा गुबार चढ़ा कि उसको वहां पे एक गधी दिखाई दे गई, गधी दिखाई थी, उसने कहा साला अब तो गधी के साथ ही संबंध बनाना है, वो गधी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की और गधी लात मारे, अब उसको तो सेक्स इतना चढ़ा कि गधी के साथ ही कर लेना, लेकिन गधी लात मार रही। कहते हैं कि एक दो दिन तक खेल चलता रहा है, क्योंकि वो तो रेगिस्तान में भटका हुआ, गधी भी खाली फ्री वो भी फ्री, एक दो दिन तक गधी लात मारती रही और वो सेक्स का प्रयास करता रहा। एक दो दिन बाद वहां पे सुंदर सी लड़की,
और वो प्यासी थी। उसने देखा सरदार को और उसके पास पानी। उसने कहा सरदार क्या मुझे पानी दे सकता है? सरदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगा पानी तो मिल सकता है लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। उसने कहा क्या? उसने कहा पहले ये बोल कि करेगी फिर मैं तुझे पानी दूंगा। अब उसने कहा कि सरदार है रेगिस्तान में अकेली पाके क्या करेगा। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूं पानी पिला दे भाई। वो मर रही वो और सब सोचे कि पानी सोचे, उसने पानी स्वीकार कर लिया। सरदार ने उसे पानी दिया, उसने पानी पिया। उसने कहा सरदार अब तो वजन दे चुके हैं बताओ क्या करना है। सरदार ने कहा लहंगा उतार। उसने लहंगा उतार दिया, बोले अब जो है इस गधी के पैर बांधो मुझे इसके साथ सेक्स करना है। आई बात समझ? आई बात समझ? मैं ये चुटकुले में मैं क्या बताने की कोशिश की, कल्पना इतनी हावी हो जाती है कभी कभी किसी चीज की, किसी स्त्री को लेके किसी पुरुष को लेके इतनी हावी हो जाती है कि तुम्हारे पास उससे बड़ा ऑप्शन भी मौजूद हो लेकिन तुम्हें तो वही चाहिए। इसे इसे एक कहावत के रूप में आप लोगों ने सुना होगा, दिल लागा गधी से तो परी क्या चाहिए। ये असली कहानी है एक सरदार की जो मैंने आपको सुनाई कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज। ये कहावत वहीं से आई है, उसी चुटकुले से आई, उसी कहानी से आई। क्या आत्मा का लेना देना? आत्मा के तल पे तो एक व्यक्ति को उस समय मन की बात सुननी नहीं चाहिए थी, उसको तो उस समय परी का चुनाव कर लेना चाहिए था। लेकिन गधी दिमाग पे चढ़ गई हो, मन के तल पे गधी सवार हो गई हो तो परी नहीं दिखती। यानी कि मन की कुंठा आत्मा को भी प्रभावित कर सकती है, वरना आत्मा तो परी चुनेगी ना। सीधी सी बात यह है, आत्मा तो शुद्ध चुने भाई। अच्छा बताओ मैं ये जो बात कह रहा हूं थोड़ा सोचो, आत्मा निष्कंप है और आत्मा पे मन का कोई असर नहीं होता तो आत्मा तो शुद्ध चुनती। आत्मा के दो पास दो ऑप्शन है, एक अच्छी चीज चुनने का, एक बुरी चीज छोड़ देने का, लेकिन वो बुरी ही चुन लेती। स्वामी जी एक सेकंड, जैसे स्वामी जी कह रहे कि मन पे क्यों नहीं प्रभाव पड़ता, वो मन ही जो है उस आत्मा को जैसे सूक्ष्म शरीर कह रहे हो लेकर जा और वो ऐसे कर्म में ले जाकर गिरे जहां जिसे तुमने रख कह रहे कुछ भी कह रहे तो वो सूक्ष्म शरीर मन ही ले जाकर। मैं कह तो रहा भाई लेके तो उड़ रहा नहीं, मैं कह तो रहा मुक्त कि मन एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव शरीर में भी होता है। बात जी। मैं भी वही कहा कि मन ही करता है सब कुछ, आत्मा ने कुछ करती है। अरे भाई ये बाटू आपने तो कह तो दिया, अभी तो कही आपने भी वही बात की। नहीं अभी एक मिनट स्वामी जी, मन ही लेके गया उसे कहा जहाँ दूसरे घरों में जो कहा कह रहे थे कि मन का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है, कह रहे मगर मन लेके तो जा रहा है शरीर जब जा है तो मन सूक्ष्म शरीर जा रहा उसकी साथ, तो मन ही तो जा रहा ना। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तो मन का ये कह रहे मन का आत्मा पे पड़े शरीर पे पड़े यही तो कह रहे हैं आत्मा पर नहीं पड़ता। अरे अरे उसे ले जाके ले जाके कहने कौन से गर्म में ले जाके रामन। चलो अब समझ बताओ, जैसे शरीर बोलते हैं तो कोई इमेज बनती है माइंड में, पता शरीर ही है, मन भी बोलते तब भी बनती, जब आत्मा बोलते हैं तो कोई इमेज नहीं बनती, क्या आत्मा क्या मतलब है? विल, आत्मा निष्कंप है और आत्मा वन टाइम में निर्णय ले लेती, आत्मा कंपित नहीं होती, आत्मा चिंतन नहीं करती। आत्मवान व्यक्ति जो है किसी से राय लेके काम नहीं करता, आत्मवान व्यक्ति तुरंत निर्णय लेता है। आत्मा के निर्णय तुरंत के निर्णय होते हैं, आत्मा किसी किताब को उठा के पढ़ती नहीं कि इस काम को ऐसे करना चाहिए, इसीलिए कहता हूँ विल निष्कंप है, निर्द्वंद हो रहा वो जो करेगी कर लेगी, उसको कोई परवाह नहीं है कि ये अच्छा होगा इससे बुरा होगा। अच्छे बुरे का चुनाव करने का काम मन का है, बुद्धि का है, आत्मा अच्छे बुरे का चुनाव नहीं करती, वो तो कर ले, ये गया उधर गया बात अताबड़ताड़ इधर उधर हो जा। तो आत्मा की छवि इसलिए नहीं बनती क्योंकि आत्मा कोई शरीर नहीं है, लेकिन आपके शरीर में कोई चीज है विल के रूप में है, विल के रूप में उपस्थित है,
जैसे विद्युत है, तो तार कोई जो है, तार तो शरीर है, तार के अंदर विद्युत जो है वो ताकत के रूप में है। जब वो बल्ब से कनेक्शन पाएगी तभी दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। एक तार में करंट बहता हो जलता नहीं है जब तक बल्ब ना हो। तो बल्ब उसकी कर्म रूपी एक तरीके का प्रदर्शन है शरीर। तो आत्मावान व्यक्ति के कर्म बताते हैं कि वो आत्मावान था। आत्मावान व्यक्ति के कर्मों में तुम निष्कंप देखोगे। आत्मावान के व्यक्ति के कर्म जो है वो बल्ब की तरह होते हैं जो प्रकाश बनते हैं। और अगर किसी के जीवन में कर्मों में ढीलापन है, कोई गरिमा नहीं है, कोई भी आत्मिक रूप से कुछ लक्षण प्रकट नहीं हो रहे ताकत के विल के, फिर तो मुर्दार है। मैं आपको सच बताऊं, मैं हिटलर को बुद्ध से कम नहीं मानता। संकल्पवान होगा तो संकल्पवान ही होगा। वही मैं कह रहा हूं, मैं हिटलर को बुद्ध से कम नहीं मानता। क्या बंदा निर्णय ले लेता है, जो भी अपनी, मैंने इसीलिए कहा कि जो भी एनर्जीज अपने क्षेत्र में टॉप पे चली जाती मैं उन सबको बुद्ध की श्रेणी में ही रख लेता हूँ। कृष्ण की श्रेणी में रखो। अरे मैं बस कृष्ण की श्रेणी में रखूं कि बुद्ध की श्रेणी मेरी अपनी मौज है, तुम रख लो कृष्ण की श्रेणी में। भाई हिटलर भी हिंसक हुआ और कृष्ण भी हिंसक, और सोच दोनों की एक ही तल, शरीर छूट रहा आत्मा मर है, तो मैंने इस वजह से कहा। खैर कोई बात नहीं स्वामी जी, अभी अपने उस्तरे में धार तेज करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही होती है शुरुआत में, ऐसे ही होता है कि उस्तरे में धार तेज की जाती है तो शुरुआत में होती है गड़बड़े। खैर मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि आत्मा जो है वो द्वंद से घबराती मरती, द्वंद में आत्मा मर जाती है। वो मानोगे गुरु गोविंद दोई पड़े काके लागू पाऊं, ये है संदेह, ये संदेह गुरु गोविंद दोई पड़े काके लागू पाऊं। और उन्होंने कहा बट हटा बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बता दो, झट से उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने कहा देखो दो हैं, बड़ी आत्मा को दिक्कत हो रही, क्या करें। उन्हें भाग लिया, उन्होंने कहा गुरु पकड़ो, इससे भगवान भी मिल जाते। आत्मा को द्वंद से मुक्त करो। अब हम लोगों की पूरी चर्चा का अंतिम मोहर मैं कुछ बातें लगा के खत्म करूंगा। वो बात यह है, शरीर के तल के चार सत्यों की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि जब तुम यात्रा करते हो तो करते तो शरीर के माध्यम से हो। आत्मा गई तेल लेने, पता नहीं है अभी, शरीर का तो पता है, हर एक को शरीर का तो पता है ना। तो शरीर के तल पे चार सत्य हैं, अगर तुमने उनको संभाल लिया तो तुम आत्मिक हो पाओगे। मतलब पहली तुम्हें विल का जो परिचय होगा वो तब होगा जब चार सत्य तुम्हारे मजबूत होंगे। अगर चार बात को लेकर तुम्हारा मजबूती है, तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता है और चार चीजों की तुम्हें परवाह नहीं है, रोजगार के संबंध में, समाज के संबंध में, सेक्स के संबंध में और भोग के संबंध में, अगर चार चीजों के संबंध में तुम्हें कोई परवाह नहीं है, वहां से तुम्हारी आत्मा का पहला लक्षण प्रकट होता है। उसके बाद तुम्हारी आत्मा मन में उलझ सकती है। बहुत से लोग जो ये चार चीजें रखते हैं, जिनके पास सेक्स भी है, जिन समाज की परवाह भी नहीं है, जिनका रोजगार भी अच्छा है, जिन्हें भोजन का भी कोई झंझट नहीं है, लेकिन मन में मर जाते हैं। मन के भवसागर में बेड़ियां बांध के जाने वाला व्यक्ति डूब जाता है। भवसागर को पार करने के लिए सबसे पहले बेड़ियां खोलनी पड़ती हैं। तो मन की तीन बेड़ियां हैं। मन अहंकार की बातों में गड़बड़ा जाता है, भय में गड़बड़ा जाता है और मोह में गड़बड़ा जाता है। इसलिए एक सन्यासी को मेरी सलाह है कि अगर चार चीजें तुम्हारी मजबूत हैं तो उसके बाद इन तीन चीजों को भी मजबूत बनाओ। और इन तीन चीजों को भी अगर तुमने मजबूत किया तो अंत में 99 का सांप तुम्हें फिर मिलेगा। सांप सीढ़ी में होता ना, 99 का सांप सबसे ज्यादा वही डसता है। तो अंत में सबसे ज्यादा 99 का सांप जो तुम्हें खड़ा होगा, जिसके एक कदम बाद ही तुम आत्मा के जगत में और परमात्मा के जगत में प्रवेश कर सकते हो, 99 का सांप जो है कंपन का सांप है। आप कभी देखना, आप सांप सीढ़ी खेल के देखो, कली खरीदो और खेल के देखो। आप सांप सीढ़ी खेलोगे,
आपको और जगह पासा फेंकते हुए हिम्मत डगमगाएगी नहीं, कम से कम जो भी आएगा आप चलोगे तो। लेकिन 98 पे बैठे हो तो हर बार ये लगेगा साला एक ना आ जाए, क्योंकि एक आया तो मरे, दो आया तो पार गए, और बचे हुए चार अगर आए तो बेकार गए। एक में मरे, दो में पार गए, और चार बचे हुए आए तो बेकार गए। तो कितनी अच्छी शायरी हो गई, सबसे ज्यादा मन का कंपन वही 99 का सांप करवाता है, और सबसे ज्यादा काटता भी वही है, क्योंकि चार से तो कुछ होगा नहीं, और 50% का खेल हो गया, या तो दो आए या एक आए। भाई चार तो बेकार है, भाई तीन आए बेकार, चार आए बेकार, पांच आए बेकार, छह आए बेकार, क्योंकि उस पर तो चार चलेगी नहीं। अब चार तो दो ही पे चलेगी, या एक या दो, इसका मतलब है 50-50 का खेल है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। इसीलिए आत्मा के तल पे पहुंचते 50-50 का खेल है, ये चुनू कि वो चुनू, ये करूं कि वो करूं, और ये जो ये करूं वो करूं, इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, क्योंकि आप संसार में रहे हो, मन आपका संसार में है, शरीर आपका संसार में है, और संसार के लोगों में सबसे ज्यादा एक ही चीज का जिक्र होता है, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा वो बुरा, ये शर्ट अच्छी वो शर्ट बुरी, ये जूता अच्छा ये जूता बुरा, ये औरत अच्छी ये बुरी, ये खाना अच्छा ये बुरा, ये मेज अच्छी ये बुरी, ये घर अच्छा ये बुरा, ये बच्चा अच्छा ये बुरा, ये बाल अच्छे ये बुरे, ये कमर अच्छी ये खराब, ये मोटा अच्छा ये पतला, ये सारा यही चलता है। यहाँ तो पूरे संसार की व्यवस्था में आपकी एक ही शिक्षा चल रही है, वो द्वंद की शिक्षा है, और यही शिक्षाएं लेके तो तुम पहुंचोगे। मान लो तुमने सब कुछ पार कर लिया, तुमने शरीर के चार द्वार पार कर लिए, तुमने मन के तीन पार कर लिए, अंत में आके तुम फंस गए, अब तो तुम्हें बस, अब तुम्हें तो प्रेम चाहिए, सच्चा वाला चाहिए, हर चीज अच्छी चुननी, बस यहीं पे तुम मर जाओगे। वहां पे तुम बस एक ही है कि वो अगर प्रेम ढूंढो तो ऐसे ढूंढो, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। देखो आत्मा के तल पे पहुंचा हुआ व्यक्ति चुनाव नहीं करता, वो कहता, अब जैसे हमारे जाहिद भाई हैं, उनकी एक किस्सा और सुनाता हूँ आप लोगों को, अंतिम किस्सा वो सुना रहा हूँ। जाहिद भाई एक बार मेरे पास आए, कहने लगे कि यार वो जो है एक हमारी जानने वाली हैं, उन्हें हमसे प्रेम हो गए, उम्रदार व्यक्ति हैं, हमसे बड़े हैं 15-20 साल। तो हमने कहा अच्छा फिर तुमने क्या कही, बोले वो उन्होंने हमसे कही कि हमें आपसे मोहब्बत हो गई। तो मोहब्बत का तो भाई देखो इनकार नहीं करता, कितना चालू आदमी मोहब्बत का इनकार नहीं, अलग है ना कहीं, कितना चालू आदमी मोहब्बत का इनकार नहीं, अच्छी बात है भाई। कुछ दिनों बाद लौट के आए, 20-25 दिन बाद, मैंने कहा और भाई क्या हाल चाल है उनके, बोले भाई अभी ऐसी बात है, एक हफ्ते पहले की बात है, मैं उनके घर बैठा था, डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे, तो मैंने खाना खाने के बाद, वो बैठे थे उनकी पति बैठे थे, मतलब वो बैठी थी, हम थे और उनके पति थे, तो मैंने खाना खाने के बाद उनके पल्लू से अपने हाथ पोंछ दिए। तो बोली वो तो बड़ी मतलब एकदम, उस समय तो कुछ नहीं बोली, उनके पति झेप गए, बाद में थोड़ा हटके बोली कि तू क्या कर रहे हो, तुम मेरे पल्लू से हाथ पोंछ रहे, पति बैठा हुआ मेरा ये। तो चाहिद भाई ने कहा देखो आपने हमसे कहा था मोहब्बत है, मोहब्बत तो बड़ी ठीक है, लेकिन वो बैठा हुआ उसके सामने तो छुपा जाओ कम से कम। तो जाहिद ने कहा देखो मोहब्बत का हमें स्वीकार है, लेकिन चोरी स्वीकार नहीं। बोले भाई देखो मोहब्बत तक तो ठीक था, हमने मना नहीं किया, लेकिन चोरी हम नहीं कर पाएंगे, अगर मोहब्बत है फिर चोरी कैसी, ये है निर्द्वंद। हम लोग क्या करते हैं, मोहब्बत तो है लेकिन चोरी है। तुमने मुझे देख, मैं तो बता देता हूं है, कोई जिसको जो है वो समझता है, अच्छा बुरा जो भी सोच, क्या चोरी। हाँ ये बात अलग है कि अगर उसी चीज को टेक्निकल ढंग से देखो तो संसार में इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे प्रेम में है, लेकिन मैं उसे कोई मालकियत नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में मालकियत की परिभाषा चलती, समाज में रिश्ते नाते चलते हैं,
जैसे कोई मुझसे पूछे कि आपका इनसे क्या संबंध है, प्रेम का संबंध है, प्रेम के संबंध में सब संबंध आते हैं। आपको कहते नहीं पत्नी का है कि कौन सा वाला है, क्यों प्रेम तो बहुत तरीके के लोगों को लगते हैं। तो भाई वो कोई वाला नहीं, समाज के तौर पे मैं जानता हूँ वो वाला कुछ नहीं है। तुम्हें जो सोचना हो सोच लो, मेरी तरफ सिर्फ प्रेम है। तो बात ये कह रहा था कि आत्मा के तौर पे निर्द्वंदता चाहिए, और ये निर्द्वंदता उसी के अंदर आ सकती है। ये भी बता दूं, ये निर्द्वंदता उसी के अंदर आ सकती है जो सात चक्रों को, मतलब सात चीजों को पूरा करता हुआ है। शरीर के तल पे चार चीजें जिसने मजबूत की हैं, मन के तल पे तीन चीजें जिसकी मजबूत हैं, वही इस निष्कंप अवस्था में पहुंच सकता है, जो कंपित नहीं होगा। तो आज इतना ही।